नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में। मैं हूं आपके साथ शिवानी मारवानी। आई नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में हंगामा मच गया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम रही। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर हंगामा किया। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में थी अखिलेश की जनसभा। हालांकि माहौल शांत होने के बाद अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्रायल का सामना करने की बात कही। बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो इस मामले में ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमले के मामले में पुलिस ने एक 41 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। कन्हैया कुमार पर पिछले हफ्ते हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अजय कुमार नाम के शख्स को उसके घर से उस्मानपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसी इलाके में कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार गुट फिर एक्शन मोड में आ गया है। 27 तारीख को पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। राज्य में सहयोगियों के सहयोग और वोटिंग पर चर्चा होगी। इस बैठक का आयोजन मुंबई के गरवारे क्लब में किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटिंग में मदद की। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बातचीत करते हुए बताया, दावा किया कि वेदांत अग्रवाल की ब्लड रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ मजबूत तकनीकी सबूत हैं। अमितेश कुमार ने आगे कहा कि जब हमने वेदांत अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया तो भी उसने कहा कि उसने शराब पी रखी है। घटना की रात आरोपी ने 48,000 रुपए का बिल भी चुकाया। इसके अलावा वह एक संकरी सड़क पर तेज गति से बिना नंबर प्लेट की कार चला रहा था। ये सभी बातें हमने अदालत के संज्ञान में दी हैं, लेकिन कोर्ट ने वेदांत अग्रवाल को जमानत दे दी। चुनाव आयोग ने 15 मई को हल्दिया में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की निंदा की है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने मंगलवार को ममता बनर्जी पर टिप्पणी के लिए बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी का 400 पार का नारा उनका अहंकार है। इंडिया गठबंधन बदलाव चाहता है। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके अलावा यूपी में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। पायलट ने हरियाणा में 7 से 8 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार महाराष्ट्र में हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी ने कहा कि 8 दिन बीत गए हैं, लेकिन केजरीवाल अब तक चुप है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मथुरापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि मैं जब जंगल आया तो मैं सबसे पहले संदेश खाली गया। वहां माताओं बहनों ने जो बताया वह सुनकर दिल व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, वहां माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब शाहजहां शेख जैसे गुंडे करते हैं, लेकिन ममता दीदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। हवा इतनी गर्म चल रही है कि लोग उनमें झुलस रहे हैं। जला देने वाली गर्म हवाओं की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां भारी बारिश और तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका तो कुछ में लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई से वाराणसी की एक इंडिगो फ्लाइट में मंगलवार को ऐसा ही नजारा सामने आया है। इंडिगो की ये फ्लाइट ओवरबुक होने की वजह से बहुत से यात्री फ्लाइट में पीछे की तरफ खड़े थे। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्लाइट ने बाकायदा टेक ऑफ भी कर लिया था। हालांकि बाद में फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और चुनाव निशान मिलने के बाद अपना आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है उसे वोटिंग की तारीख से 2 दिन पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 3 बार इसे प्रसारित करवाना होगा। सिंगापुर में एक बार फिर कोरोना के मामले तेज हो गए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि जून के मध्य और अंत के बीच सिंगापुर में कोरोना के केस चरम पर पहुंच सकते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा, अभी हम कोविड लहर की शुरुआती दौर में है, लेकिन यह लगातार तेजी से बढ़ रहा है।
कांस में अपने सिले हुए आउटफिट से डेब्यू करने वाली फैशन इन्फ्लुएंसर नैंसी त्यागी इन दिनों चर्चा में छाई हुई है। उनके डिजाइन और टैलेंट की खूब वाहवाही हो रही है, यहाँ तक कि बॉलीवुड सितारे भी उनके फैन हो गए हैं। एक्ट्रेस सोनम कपूर भी नैंसी के डिजाइन की मुरीद हो गई हैं और उन्होंने नैंसी से उनके लिए भी आउटफिट बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 का आखिरी लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गवाया था, जिसके बाद टीम प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो गई थी। चेन्नई की हार के यूं तो कई कारण हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि शिवम दुबे, जिन्होंने धीमी पारी खेली, वह बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई की हार का सबसे बड़ा कारण रहे। आरसीबी के खिलाफ धीमी पारी के बाद शिवम आलोचकों के हत्थे चढ़ गए। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ।